अस्सलाम वालेकुम मेरी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अभी सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे 9। तो मैं पूरा रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ इमोन के साथ बाहर। कई दिनों से हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना था, जाना था, नहीं जा पा रहे थे। तो आज फाइनली मैं उठी, रेडी हुई, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे कैसे लग रहा है, अजीब लग रहा है। तो इसलिए बस मेरा जाना जो है ना वो कैंसिल हो गया है। और इमोन को मैं दिखाती हूँ आपको और बताएगा इमोन कि कहाँ जा रहा है और कौन सा ऐसा काम है जो कई दिनों से हम रखे हुए हैं और आज उठी हूँ मैं लेकिन नहीं जा पा रहा है। तो अभी देखो। गुड मॉर्निंग इमोन। अरे एक चीज़ नोट की, तुमने पिंक पहना है और ये देखो मैचिंग हो गया। तो इमोन आज बताइए कि कौन सा काम है जो इतने दिन से, इतने महीनों से पेंडिंग है। ड्राइविंग लाइसेंस आ गया लेकिन लेने नहीं जाता। ओ, तो इमोन जो है ना वो भाई प्रोफेशनल ड्राइवर है लेकिन एक्सपायर्ड। और फ्रेंड्स आर्यन इज स्लीपिंग और इमोन बाय बाय, फिर मिलते हैं। मैं अभी तुम्हारे साथ चलती लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना। ठीक है, जल्दी से आ जाना। हाँ, तो हमारा आर्यन जो है वो आज रेडी हो गया है। आर्यन ने अपनी न्यू वाली ड्रेस पहनी है, ये मॉन्स्टर वाली। आर्यन कैसे लग रहा है? मम्मी मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, मुझे ऐसे ही कपड़े दो। इतना बोलना सीख गया है मेरा बच्चा। हाँ, और सॉक्स भी पहना दिए हमने। और अब इमोन जो वो भी वापस आ गया। अभी बताओ मुझे तुम्हारे लाइसेंस का क्या हुआ? क्या लाइसेंस लेने, फिर मैंने देखा 1000 लोग खड़ा है उधर। फिर मैंने क्या किया, मैंने जाके लड्डू खिलाया। 20 मिनट में काम करके आ गया। क्या खिलाया? मोतीचूर का लड्डू खिलाया। चलो सही है, चलो नीचे चले। वेयर इज योर डैडी? आप मुझे कमेंट से बताना आपको आर्यन की ये क्यूट क्यूट ड्रेस है कैसी लगी। और अभी हम जा रहे हैं। अरे अरे मन छुपे रहे। आर्यनी मैं कुंभे को आज ना माँ पकोड़े बना रही है, ये दाल के पकोड़े। माँ दाल ग्राइंड करे बनाई से, दाल ग्राइंड करके फिर ये पकोड़े शाम की इफ्तारी के लिए बन रहे हैं। किस टाइम? दिन के टाइम। और ये देखो खाना, जूस, क्या क्या खा रहे हो टैंग। और आज हम ना एलोवेरा है ना इसका जूस बनाएंगे, तो माँ से सीखेंगे कैसे बनाते हैं फिर बनाएंगे। हमारे नीचे पेड़ है ना, उधर से लेके आइए माँ, तो ये गांव भी लेके जाएगी फिर उधर भी लगा देंगे। कल शॉवर किया था, वाइट हो गई। तो सबसे पहले ना ये साइड वाला एरिया पूरा काटना है छोटी वाली नाइफ से। और ऐटे फलाई थे ना बाद में, ये तो बड़ा है इसलिए माने बोला हाफ ऑफ करके फिर निकालेंगे। और ये येलो पार्ट, अच्छा जहर है? है। ओ, तो येलो पार्ट ना फेंक दिया। तो और अभी ना बीच से ऐसे काट के मध्य दिया, सेंटर से करके फिर खोलना है। एक खोलवा पर चामच दिया, सारा निकाल देना है चम्मच से ना। एरिको मत उठो, तुम्हारे को चम्मच ले। क्यों भी काट के निकाल सकते हैं। और छोटे चम्मच से ऐसे ऐसे करके पूरा निकालना है। और फोरे में ग्राइंड करवा, फोरे ग्राइंड कर फिर ग्राइंड करना पड़ता है। और फिर जूस में डालो, शरबत में डालो, डायरेक्ट चीनी लेके पियो। टैंग में डालेंगे आज। चलो ठीक है, आज वाली टैंग डालोगे तो पता नहीं क्या टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि माँ तो हमेशा रमजान में यही पीती है एलोवेरा जूस, फ्रेश हेल्दी ऑर्गेनिक। हम तो टैंग वाले लोग हैं तो टैंग में डाल के पियेंगे, देखेंगे। अच्छा ऐसे फिर निकाल देना है प्लेट में ऐसे करके, बाद में इसमें थोड़ा सा पानी देके ग्राइंड व्राइंड करेंगे। तो बाबा को भी क्यूब कोरे उठे तुम्हारे। हाँ, ऐसे काट काट के भी निकाल सकते हैं, कटिंग कटिंग करके भी। आज हम आपको स्पेशल एलोवेरा जूस है ना उसकी रेसिपी दे रहे हैं। यहाँ पे बनता है और हेल्दी भी होता है बहुत। हम लोग तो नहीं पीते इतना हेल्दी, इवन भी नहीं पीता हेल्दी। मुझे सिखाता कैसे पीना है तो मैं तो डेली पीती ना। लास्ट टाइम अब्बा बनाते थे बहुत ये, तो हम पीते थे। तो अभी जो है ना माँ ने बोला ये सारा करके इतना मतलब ज्यादा अमाउंट यूज नहीं होगा। देखो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, निकालते इतना मजे से। ये देखना, इधर आओ, ये देखना, ये जो एलोवेरा मैंने काटा है ना, बस इस छोटे चम्मच से इसे डाल के ये पूरा देखो कितना मोटा निकला है। मतलब 1% तो थोड़े में ही जूस बना सकता है। ये देखो, दिस इज एलोवेरा फ्रेश। इवन बोल रहा है बाहर से अगर इसका जूस खरीदोगे ना आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो मैंने कभी बाहर ट्राई नहीं किया था जूस, कभी जाऊंगी खरीदने और पीने, देखूंगी कितना महंगा है, फिर वैल्यू होगा घर के खाने का। तो ये इतना सारा फ्रेश मैंने निकाल लिया है। तो ये सारा ग्राइंड करके जितना आज जूस में जाएगा जाएगा, और बाकी जो है ना वो हम फ्रीज कर देंगे और इस ग्राइंडर में करेंगे। बड़ी ग्राइंडर लेके आए, इसमें सारा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ये एलोवेरा काटने के बाद खुजली भी होती है क्या हाथों में? हाँ 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 सही सब होता, जहर होता है, जहर होता है।
तो फ्रेंड्स आज हम आपको दे रहे हैं रेसिपी, ये जो है ना एलोवेरा ऐसे हो गया फाइनली। तो मुझे लग रहा है नहीं स्लाइम नहीं होता खेलने वाला, वो लग रहा है देखो, मुझे तो नजला लग रहा है। अभी ना ये सारा इसमें डालना है देखो, ये देखो अभी मैं आपको मुझे क्या करना है, मांग नहीं सी जस्ट ग्राइंड करो, मैं पानी डालो जस्ट ग्राइंड नो पानी। चलो इसको हम करते हैं ग्रीन ग्रीन और फिर ब्लिंग ब्लिंग करके शाम को जूस बनाएंगे। तो चलो देखते हैं, मैं तो पूरा हिले ही जा रही हूँ। अभी जो है ना इसको करना है हमें ग्राइंड और इस इमोन को थोड़ा सा डाल के देंगे इस टैंक में, ठीक है देखना कैसा। ठीक है मशीन पागल हो गई कि तुमने अंदर क्या डाला है इतना हैवी, तो ये थोड़ा और करना है। अभी चलो करते हैं। अरे ये क्या है, लस्सी बन गया, काज बन गई, तो कैसे ज्यादा करते नहीं अभी तो हो गया भाई, बहुत ठंडा लगा है, काफ काफ सही रहो। खाने के सामने और इसकी मस्ती मत करो, ऐसे हो गया माँ। मस्ती क्या करो माँ, माँ ये देखे जाए कैमने ऐसे देखे कैसे हुआ है ये, इसको तो नजला हो गया माँ, ठंडा लग गया हमारे एलोवेरा को। माँ से पूछ के आया था कि ऐसा सफेद क्यों हो गया, फिर माने बोला ऐसा होता है। ज्यादा हो गया है ना तो शाम को बस जूस, और मैं को तो मैं थोड़ा दूंगी तुम पियोगी। अभी अभी मैंने क्या बोला यार ने आपको, अभी जो है ना थोड़ा सा टेस्ट करो यार, देखने में खतरनाक लग रहा है यार। सदिया ना दे ऐसे मत करो, हेल्दीएस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड वर्ल्ड टेस्ट देखने भी एलोवेरा में नहीं होता लेकिन हेल्दी होता है, और ये हम अभी से डेली साइज स्टार्ट में बनाएगा यही। ओके तो फ्रेंड्स मैं फिर से थोड़ा सा रेडी हो गई थी, बीच में कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि सुबह जा नहीं पाई थी। तो अभी जो है ना मैंने आज स्पेशली काजल लगाया आंखों के नीचे, ये मैं जब कॉलेज में जाती थी तब लगाती थी। तो आज मेरे पास काजल तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रिसेंटली खरीदा और दिल कर रहा था इसे अप्लाई करने का तो मैंने कर लिया। मुझे कौन सा पता कैसा लग रहा है, मुझे बहुत मतलब अजीब लग रहा है, बहुत टाइम बाद ये ऐसे किया है अंडर आया, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। और ये रही हमारी आज की ड्रेसिंग, चलो इस रूम में चल के चेक करते हैं, लेट्स गो। जल्दी जल्दी से चप्पल भी पहन लें तो अच्छी लगेगी हमारी ड्रेस। चलो 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 लाइट सारे खुल ले, इधर एक लाइट लगानी पड़ेगी अभी तक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की ड्रेसिंग, चप्पल लेके आ गई ताकि चप्पल के साथ अच्छी सी लगे, ठीक है। और अभी जो है ना हम लोग अपने इफ्तारी के लिए जा रहे हैं तो मैंने कहा कि थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। और ये रहा हमारी आँखों का काजल, कैसे दिखाऊँ, ये रहा हमारी आँखों का काजल। बता ना भाई कैसा लग रहा है, बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद जाके लगाया है, तो पर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा पता नहीं। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई, काजल के स्टाइल बदल गए, सब कुछ बदल गया। चलो फ्रेंड्स इमोन से पूछते हैं कि इधर आओ जल्दी 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 जल्दी, कुछ डिफरेंस लग रहा है फेस में, इधर इधर कलर दिया काला बोला क्या बोलते कलर लगाया। और देखो जल्दी 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 इधर कलर अलग गया, इधर का अलग अलग किया बोले, कहाँ किया इधर दिखाओ, ये आई लैशेस की इधर। अल्लाह कैसा लग रहा है, अच्छा है, मैं कॉलेज में ऐसे लगा के इधर, हां वो तो मैंने यूनिवर्सिटी में देखा कोरिया में, इतना बड़ा ऐसे था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में देखा कोरिया में, हां कोरिया में ऐसे था इतना बड़ा, लंबा टाइम को छोड़ दिया ना अभी फिर से लगाया, अच्छा लग रहा है और भी तो बड़ा होता था। अगर मुझे कमेंट्स में सब बोलेंगे कमेंट्स में अच्छा हुआ अच्छा हुआ तो यूनिवर्सिटी वाला चाहिए, अगर आप कमेंट्स में बोलोगे बहुत अच्छा हुआ है फिर मैं लगाऊंगी, अगर मुझे कमेंट्स नहीं है तो सिग्नेचर होता 200-300 कमेंट्स तो चाहिए मुझे कि अच्छा हुआ है तब भी लगाऊंगी, अगर कमेंट नहीं आया तो मैं बाय बाय कर दूंगी। फ्रेंड्स टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ टू मेक एलोवेरा टैंक जूस। सो फर्स्ट यू नीड 1 लीटर वाटर एंड देन सम 4-5 स्पून्स ऑफ शुगर 1, 2, 3, 4, 5 and then where is the spoon of tanga spoon guy hamara jindagi mein jitna purana purana fir tha sab ka hai ye kitna cute hai to chhota sa dekho ha
ये बहुत पुराना टाइम है, सेव करके रख देगी। तो चलो अभी हमें चाहिए कुछ चम्मच टेंके, कल हम 8 चम्मच डाले थे टेंके, बहुत हेवी हो गया था। 8 चम्मच ही बोलते, 1 लीटर पानी में 8 चम्मच बोला है। नहीं ऐसे तो हमारा टैंक जल्दी खत्म हो जाएगा इतना महंगा। फिर 6 चम्मच डालो। 5 चलते हैं, बातों बातों में 5 में मुझे नहीं लगता टेस्टी होगा। 4, 5, 6 डालो। हाँ 6 चम्मच टेंके, ठीक है। उसके बाद माँ ने बोला बस सिंपल 1 ग्लास जो है ना एलोवेरा का डाल दो, एलोवेरा का, एलोवेरा। आजकल मेरे प्रोनाउंसिएशन में क्या हो रहा है पता नहीं, तो एलोवेरा का जो जूस है ना 1 ग्लास कहाँ से क्या हो रहा है ये देखो। बस अभी इसको मिक्सिंग करना है और ये बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक बन गई इफ्तार के लिए। जो जो लोग रोजा रखते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी जो ना रखे उसके लिए अच्छा है। तो चलो मिक्सिंग करते हैं और आफ्टर इफ्तार में आपको रिव्यू दे दूंगी कैसा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारी इफ्तारी जो रेडी है, ये माने पकौड़े बनाए और माने वाला कुछ बताने की जरूरत नहीं, कल जो है ना रह गया था खाना, हेवी हो गया था कल, तो हमने स्पेशल बस आज एलोवेरा जूस बनाया है जो अभी उसके बाद बताते हैं आपको। और ये बस काला ब्लैक सॉल्ट देके मेरे ये किया है, फ्रूट काटे, तो ये सिंपल सी इफ्तारी, उसके बाद हम डिनर करेंगे। चलो इसका रिव्यू करते हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत टेस्टी। और ये हम सब की इफ्तारी हो रही है, तो माँ का आइडिया बहुत अच्छा था, डेली हम लोग अभी एलोवेरा यूज करेंगे हर जूस में, कोई भी हो, जामेश्वरी, रूह अफ़ज़ा, टेंग, चीनी के साथ भी कोई बना लेंगे, तो अब से एलोवेरा डेली। मैगी देखो आफ्टर इफ्तार चाय के दुकान खाली क्यों पड़े, मुझे तो लगा था कि लोग होंगे इसलिए मैंने व्लॉग ऑन किया, और जैसे दुकान के करीब पहुंची सब कुछ खाली खाली। अभी हम इमोन के यहाँ से टोपियाँ लेने आए हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत टोपियाँ हैं देखो। तो ये इमोन के लिए एक मैंने, अरे छोटा है तो छोटा, देखो देखो। हाँ दूसरी दुकान आए हैं इमोन के लिए टोपियाँ ढूंढने, उसमें तो नहीं मिला, तो यहाँ पे अत्तर वत्तर क्या क्या मिल रहा है, और यहाँ ढूंढ रहे देखो छोटा, सब छोटे हैं, इमोन का सर बड़ा है क्या, इतना भी बड़ा नहीं। तो फ्रेंड्स इमोन के लिए मेरा बड़ा दिल था कि उसको ब्लैक कलर की एक टोपी गिफ्ट करूँ, लेकिन दो दुकानों में गए और वहाँ पे ब्लैक कलर की टोपी नहीं मिली, तो आगे कहीं मिलेगी तो ढूंढेंगे, लेकिन इसने बोला बस मुझे एक गिफ्ट दिया वही अच्छा है, तो क्यों नहीं चाहिए यार, ढूंढेंगे ब्लैक। इसका सर लड़के का इतना बड़ा सर है वाटर मेलन की तरह, टोपी मेरा तो यही बड़ा है, इसका तो मेरे से भी बड़ा है। नहीं नहीं सर बड़ा नहीं है, टोपियाँ छोटी है। इमोन को बोला पानी लेके दो, रोजे में निकले ना इतनी वॉक की हमने, तो अभी ना प्यास लग गई, बहुत प्यास लगी यार। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं कहीं और, लेकिन फाइनली रिक्शा ले ली, इरादा था वॉक करेंगे, लेकिन अभी टांगो ने जवाब दे दिया आपकी बहन के, तुम्हारे टांगो ने जवाब दिया, भाई की टांगो ने भी जवाब दिया है, तो अभी हम जा रहे हैं एक आर्यन के लिए कुर्ती वुर्ती कुछ ढूंढने, ईद है ना अभी, ईद आने वाली। अभी देखो ईद की शॉपिंग है भाई शुरू हो गई है, आप लोग बताओ शॉपिंग कर रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो अलाउ नहीं होती, अगर अलाउ हुई तो मैं दिखा सकती हूँ, नहीं हुई अलाउ तो फिर मैं घूम के फिर आपको बता दूंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो चलो लेट्स गो। पंजाबी लेने लेकिन मिला नहीं, क्यूट क्यूट बच्चों के छोटे छोटे कपड़े। अभी तो ईद में बहुत टाइम है और अभी से ही इतनी रश हो गई है, मॉल में इतनी रश है, बहुत ज्यादा लोग हैं। कफ्तान येलो कलर में, यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत कुर्तियाँ भी हैं। इमोन ढूंढ रहा है मेरे लिए, कुछ पसंद आया इमोन? कुछ पसंद आया मेरे लिए? धक्का लगा इमोन का धक्का, कितना खूबसूरत है ये देखो। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और ईद बताना कैसा है आपका ईद का प्रिपरेशन। मैंने तो अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किए, लेकिन आज जो मैंने देखा मार्केट में इतनी रश, इतने सारे लोग, अब तो मेरा भी दिल कर रहा है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। मेरा था इरादा कि लास्ट जो दिन होते हैं ना रोज़े के, 21 से 30 तक का रोज़ा होता है जो, उसमें करूँगी, मेरा ये इरादा था, लेकिन ये क्या हुई आज 20 दिन पहले लोगों ने शुरू कर दी, तो अभी मुझे भी करना ही पड़ेगा। इमोन आर्यन हम सब की शॉपिंग है, जल्दी जल्दी होगी,
तो बस आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन खुदा हाफिज़, बाय बाय।그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩한 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아